हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम लोग सीखने जा रहे हैं स्प्रिंग बूट। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि सर स्प्रिंग बूट लाइए। तो मैंने सोचा यार, क्यों ना हम लोग स्प्रिंग बूट सीरीज स्टार्ट कर दें और स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट को समझते जाएं, एक एक चीज़ समझते जाएं एक एक वीडियो में। तो मैं वीडियो एक एक करके लाता रहूँगा और आपको स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट समझाता रहूँगा स्प्रिंग बूट। क्योंकि जावा में एंटरप्राइज मार्केट में जो डिमांड है वो सारी डिमांड स्प्रिंग बूट की है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं सारी काम स्प्रिंग बूट पे करती हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि 100% स्प्रिंग बूट पे ही काम होता है, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो कंपनियां यूज़ करती हैं या हम लोग को आने चाहिए अगर हम लोग अपना भी कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं उस केस में। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन थी कि सर स्प्रिंग बूट डायरेक्ट पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अगर आप स्प्रिंग बूट डायरेक्ट स्टार्ट कर दोगे तो कन्फ्यूजन बढ़ती जाएगी और कन्फ्यूजन अगर बढ़ती जाएगी तो आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। इसीलिए, क्योंकि स्प्रिंग बूट एक सब मॉड्यूल है किसका, स्प्रिंग का ही। तो स्प्रिंग आपको आनी चाहिए, स्प्रिंग का ओवरव्यू पता होना चाहिए, स्प्रिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, जैसे स्प्रिंग कोर क्या होता है, स्प्रिंग कोर के बाद और भी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, कुछ कॉन्सेप्ट जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, ऑटो वायरिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा बहुत आपने स्प्रिंग एमबीसी पे काम किया हो तो एटलीस्ट आपको स्प्रिंग के इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, देन आप स्प्रिंग बूट पे मूव कर सकते हो। चले फ्रेंड्स, मैं इस सीरीज में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ बताऊंगा जो आपको एक सफल प्रॉफिटेबल प्रोग्रामर बनने में आपकी हेल्प करेगी और आप एप्लीकेशंस को डेवलप कर पाओगे। तो वो सारे ट्रिक्स और टेक्निक के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अच्छे से सीरीज सीख पाए। चले अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और सीखना स्प्रिंग बूट क्या होता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर स्प्रिंग बूट स्टार्ट करें, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की वजह से स्प्रिंग बूट नहीं स्टार्ट कर पा रहा था। क्योंकि मैं सोच रहा था सबसे पहले स्प्रिंग एमबीसी वगैरह के, स्प्रिंग जेडीबीसी वगैरह के, स्प्रिंग कोर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर दिया जाए, देन हम लोग स्प्रिंग बूट स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका भी एक रीज़न है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में कि उसका रीज़न क्यों है, क्यों हमें स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग जेडीबीसी, स्प्रिंग ORM, स्प्रिंग एमबीसी, ये सारे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स पहले पढ़ने चाहिए, तब जाके स्प्रिंग बूट पे मूव करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, लेकिन स्प्रिंग बूट की सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांड है और हम लोग इस सीरीज़ में कंप्लीट स्प्रिंग बूट सीखेंगे, साथ ही साथ में प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। धीरे धीरे वीडियोस को मैं लाता जाऊँगा और स्प्रिंग बूट कंप्लीट करता जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, स्प्रिंग बूट सीखने से पहले सबसे पहला ही टॉपिक हमें ये समझना पड़ेगा स्प्रिंग बूट होता क्या है। डायरेक्टली आप स्प्रिंग बूट स्टार्ट नहीं कर सकते, अगर आप स्प्रिंग बूट स्टार्ट भी करोगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि स्प्रिंग बूट होता क्या है। बहुत लोग को ये पता होता है कि भैया स्प्रिंग बूट स्प्रिंग ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। स्प्रिंग बूट बेसिकली एक सब मॉड्यूल है स्प्रिंग का। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि स्प्रिंग बूट होता क्या है, उसके बाद हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर एक बार हमें ओवरव्यू कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, देन हमें सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो कोई भी परेशानी नहीं लेनी है, आराम से कह रहे हैं कि आपको पढ़ना है, कोई भी जल्दबाजी भी नहीं करनी। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो चीज़ें मिस हो जाएंगी, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले सीखते हैं स्प्रिंग बूट क्या है, व्हाट इज स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट इज अ मॉड्यूल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम विच वी स्पीड अप द डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि सिंपली स्प्रिंग बूट कुछ नई चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है बड़ा सा, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सब मॉड्यूल्स हैं। सब मॉड्यूल्स का मतलब, जैसे स्प्रिंग बूट है, स्प्रिंग बूट एक बेसिकली स्प्रिंग का ही मॉड्यूल है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, जो स्प्रिंग है हमारा वो समझ लो एक पूरा घर है और उसके अंदर छोटे छोटे और कमरे हैं, ठीक है। अब छोटे छोटे कमरे बेसिकली हमारे मॉड्यूल्स हैं। अब मॉड्यूल्स मतलब, जैसे हमारे पास स्प्रिंग है तो स्प्रिंग के अंदर हमारे स्प्रिंग कोर मॉड्यूल है, स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल है, स्प्रिंग सिक्योरिटी मॉड्यूल है, स्प्रिंग ORM मॉड्यूल है, स्प्रिंग एमबीसी मॉड्यूल है। एग्जैक्टली उसी तरह स्प्रिंग बूट भी स्प्रिंग के अंदर का ही एक सब मॉड्यूल है जो हमारे डेवलपमेंट को स्पीड अप कर देता है। स्पीड अप मतलब इसकी हेल्प से हम थोड़ा सा फास्ट डेवलपमेंट कर पाएंगे, मतलब चीज़ों को जल्दी बना पाएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जल्दी बना पाएंगे। इसका भी एक रीज़न है क्यों जल्दी बना पाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक करने वाला है, मतलब 80% कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक करने वाला है। स्प्रिंग बूट देखता है कि भाई 80% लोग बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, तो स्प्रिंग बूट ने क्या किया कि उसने देखा कि भैया जो 80% लोग बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं मेहनत कर करके, क्यों ना हम उसको ऑटोमेटिक कर दें। और वो 80% वाला जो काम है, जब भी किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऑटोमेटिक प्रोवाइड कर देंगे, और जो बचे हुए 20% है वो अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर लेंगे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिकली इससे होगा क्या कि क्योंकि
बाकी चीज़ें बाय डिफॉल्ट बनी बनाई हमें मिल जाएंगी, कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ हुआ मतलब हो के हमें मिल जाएगा, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो सिंपली एक तरीके का फास्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये डेफिनेशन है, स्प्रिंग बूट इज अ सब मॉड्यूल या मॉड्यूल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम विच वी स्पीड अप द डेवलपमेंट। हम इसकी हेल्प से अपने स्पीड कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट को। अगर हम स्प्रिंग बूट की साइट पे जाके और वहाँ पे डेफिनेशन देखें तो उनकी डेफिनेशन सिंपली ये है, स्प्रिंग बूट मेक्स इट इजी टू क्रिएट स्टैंड अलोन प्रोडक्शन ग्रेड स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन दैट यू कैन जस्ट रन। इसका मतलब सिंपली स्प्रिंग बूट क्या करेगा, हमें प्रोडक्शन लेवल का एप्लीकेशन क्रिएट करके दे देगा जिसको हमें सिर्फ वन गो में क्या कर सकते हैं, चुटकियों में सिर्फ रन कर सकते हैं। तो आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है, इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन, प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, वन गो में बना सकते हैं, जिसे हमें सिंपली रन करना होगा। तो इट इज़ नॉट अ हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन, हमें हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। सिंपली हम जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे हमें एक प्रोडक्शन लेवल का एंटरप्राइज एप्लीकेशन मिल जाएगा और फिर हम उसमें अपने अकॉर्डिंग चीज़ें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, उसे हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बट जैसे ही हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं स्प्रिंग बूट का, हमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हमें एक स्टैंड अलोन प्रोडक्शन ग्रेड स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसको हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो स्प्रिंग बूट एक बहुत ही मैजिकल चीज़ है अगर हम स्प्रिंग की दुनिया की, जावा की बात करें तो, या इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करें तो। तो ये बेसिकली हमें, हम लोग को ये कहता है कि भैया हम आपको प्रोवाइड करेंगे रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मतलब कि जल्दी से हम चीज़ों को क्या कर सकें, क्रिएट कर सकें, या फिर हमारे पास टीम कम है तो हम स्प्रिंग बूट की हेल्प से आसानी से बहुत जल्दी फास्ट एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया जब हम स्प्रिंग एमवीसी यूज कर रहे थे, ORM यूज कर रहे थे या JPA यूज कर रहे थे, तो इतनी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी, और चांसेस वहां ज्यादा होते थे कि भैया गलतियां ज्यादा हो सकती हैं, उसमें टाइम लगेगा। आपको ORM कॉन्फ़िगर करना हुआ, आपको MVC कॉन्फ़िगर करना हुआ, XML कौन सी लगानी, कौन सा बीन डिक्लेयर करना है, काफ़ी टाइम लगेगा। ये सारा काम स्प्रिंग बूट जस्ट वन गो में कर देगा और आपका काम तुरंत करके मिल जाएगा। आपको सिंपली उसमें चेंजेस करने होंगे अपने अकॉर्डिंग। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, दो पॉइंट यहाँ पे आप सीख लिया। स्प्रिंग बूट एक सब मॉड्यूल है आपके स्प्रिंग के अंदर का ही, जो हमें अपने एप्लीकेशन को, स्प्रिंग के एप्लीकेशन को फास्ट स्पीड अप कर देगा जिससे हम बहुत स्पीड से एप्लीकेशन को डेवलप कर पाएंगे। दूसरा, स्प्रिंग बूट की हेल्प से हम लोग प्रोडक्शन लेवल का एप्लीकेशन बना सकते हैं, मतलब बना बनाया हमको मिलेगा, जस्ट हम उसको सिंपली रन करके अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर लेंगे। तो सिंपली और भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, एक दो पॉइंट्स और देखते हैं। इट प्रोवाइड्स एन ईजियर एंड फास्टर वे टू सेटअप, कॉन्फिगर एंड रन बोथ सिंपल एंड वेब एप्लीकेशन। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि ये हमें बहुत आसान और मतलब फास्ट तरीका प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम लोग चीज़ों को कॉन्फिगर और रन कर सकते हैं अपने दोनों तरीके के एप्लीकेशन, एक तो सिंपल एप्लीकेशन, साथ ही साथ में वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी। तो बहुत आसान है, हमें वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना होगा तो सिंपली हम क्या करेंगे, बूट चूज कर लेंगे क्योंकि हमें कॉन्फिगरेशन मिल जाएगी, सिंपली मुझे रन करना होगा और उसके बाद जैसा चेंजेस करना होगा हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, चेंजेस कर लेंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। हमें स्प्रिंग MVC वगैरह क्यों यूज करेंगे, 10,000 चीजें वहां कॉन्फिगर करनी होंगी, टाइम लगेगा, गलतियां भी होंगी। चलो इसको थोड़ा सा हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। सिंपली सपोज हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, यहां पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क, जब हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे काम करते थे, स्प्रिंग MVC कॉन्फिगर करते थे, तब वहाँ पे हमारा जब वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाते थे तब हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ती थी एक सर्वर की, टॉमकैट सर्वर की अगर याद हो तो। अब हम लोग टॉमकैट सर्वर को डाउनलोड करते थे, वहाँ से आके अपने इक्लिप्स में कॉन्फ़िगर करते थे। अब इक्लिप्स में कॉन्फ़िगर हो गया, देन हम लोग अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करते थे, दैट मीन्स वार फाइल बना के फिर डिप्लॉय करते थे। बट यहाँ पे स्प्रिंग बूट क्या करेगा, स्प्रिंग बूट अपने अंदर ही स्प्रिंग फ्रेमवर्क के साथ साथ यहाँ पे आपके एम्बेडेड सर्वर को भी दे देगा। दैट मीन्स स्प्रिंग बूट के अंदर अगर स्प्रिंग फ्रेमवर्क मिला दो और एम्बेडेड सर्वर मिला दो तो ये दोनों चीज़ स्प्रिंग बूट के अंदर ही आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ में यहाँ पे ये माइनस कर देगा, मतलब माइनस का मतलब ये अपने अंदर से हटा देगा क्या चीज़, कॉन्फ़िगरेशंस। अब हटाएगा नहीं, हम लोग को मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा, हम लोग XML कॉन्फ़िगरेशन या फिर एनोटेशन जो भी यूज़ करते थे तो ये XML तो पूरा हटा ही देगा, साथ ही साथ में कॉन्फ़िगरेशन जो भी एनोटेशन को यूज़ करके होती थी वो बहुत कम कर देगा। मतलब जहाँ पे आप 3-4 एनोटेशन यूज़ करते थे वहाँ पे अब ये क्या करेगा, ये सिर्फ हमें एक ही एनोटेशन से काम करवा देगा और वो भी ऑटोमेटिक रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना। तो ये बेसिकली अगर हम स्प्रिंग को ले लें और टॉमकैट को मिला दें
या फिर वेब सर्वर को अपने मिला दें और साथ ही साथ में उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन उसको माइनस कर दें, मतलब उसमें से ये चीज़ हटा दें, देन हमारा बनेगा जाके स्प्रिंग बूट। तब हमारा बनेगा क्या? स्प्रिंग बूट। अभी आपको शायद समझ में आया होगा, तो ये बेसिकली स्प्रिंग है। तो आपको, अब बहुत लोग कहते हैं कि सर मैं डायरेक्ट स्प्रिंग बूट सीख रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में ये आता कि भाई आप क्या सीख रहे हो, क्योंकि स्प्रिंग बूट कोई नई चीज़ थोड़ी ना है। स्प्रिंग बूट तो आपका स्प्रिंग का फ्रेमवर्क है, मतलब स्प्रिंग की जो भी सारी चीज़ें आपने सीखी वो सब स्प्रिंग बूट में यूज़ करोगे। साथ ही साथ में जब स्प्रिंग बूट के अंदर आपको मिल जाएगा टॉमकैट या फिर एम्बेडेड सर्वर, जैसे बहुत सारे एम्बेडेड सर्वर होते हैं, तो कुछ एम्बेडेड सर्वर ये मिलता है, उसमें से एक है हमारा टॉमकैट। तो ये टॉमकैट के साथ साथ हमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एम्बेडेड सर्वर मिल जाएगा और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिमूव हो जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारी क्या बनेंगी? बूट। तो अगर आपको स्प्रिंग नहीं आएगा तो अब आप बूट नहीं सीख सकते, और अगर सीखने भी आ गए तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपकी, आपका जो डाउट है, आपके अंदर कन्फ्यूजन है, वो भी बढ़ती जाएगी। तो इससे बढ़िया आप स्प्रिंग सीख लो। और इसीलिए मैं क्या कर रहा था, मैं थोड़ा सा डिले मार रहा था कि इसमें स्प्रिंग बूट में, कि भैया पहले स्प्रिंग की चीज़ें तो कम से कम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो एटलीस्ट कवर कर दिए जाएँ, देन हम लोग स्प्रिंग बूट पर मूव करें। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया स्प्रिंग बूट क्या होता है। थोड़ी बहुत और भी चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, स्प्रिंग बूट हमें प्रोवाइड करता है कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्टाइल। तो कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्टाइल का मतलब होता है सिंपली स्प्रिंग बूट में, स्प्रिंग बूट ने ये कहा है कि भैया आप ये कन्वेंशन फॉलो करोगे तो मैं आपकी कॉन्फ़िगरेशन खुद से कर दूंगा। मतलब ये कन्वेंशन फॉलो करोगे तो हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन आपको बना के दे देंगे, उसमें बस आप चेंजेस कर लोगे। बट अगर आप वो कन्वेंशन नहीं फॉलो करोगे तब कॉन्फ़िगरेशन वो काम नहीं करेगा। सो कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना, वही कन्वेंशन बस फॉलो करिए, कॉन्फ़िगरेशन अपने आप से हो जाएगी। तो हम लोग को सिंपली वही कन्वेंशन फॉलो करना है, कॉन्फ़िगरेशन हमको मिल जाएगी सिंपली। इससे होगा क्या, ये इट डिक्रीजेस द एफर्ट ऑफ डेवलपर्स, मतलब डेवलपर्स इससे खुश रहेंगे क्योंकि कन्वेंशन हम सिंपली वो फॉलो कर लेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन आपको करना ही नहीं पड़ेगा, जो चीज़ें हो जाएंगी। जैसे सपोज आप सीधे रास्ते पे जा रहे हो तो आपको मंजिल खुद से मिल जाएगी, अब मंजिल तक जाने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी है। तो यहाँ पे भी वही कन्वेंशन आप फॉलो करो, कॉन्फ़िगरेशन पर मत ध्यान दो, कन्वेंशन फॉलो करोगे कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगी क्योंकि स्प्रिंग बूट फॉलो करता है कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हम लोग मेवन यूज़ करते थे तो मेवन में भी यही था कि आप पर्टिकुलर फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो कर दो, मेवन आपकी डिपेंडेंसीज मैनेज कर लेगा, जार फाइल बिल्ड कर देगा, वार फाइल बिल्ड कर देगा। उसी तरह यहाँ भी स्प्रिंग बूट में भी आप कन्वेंशन फॉलो करिए, पूरी टोटल कॉन्फ़िगरेशन आपकी स्प्रिंग बूट की मिल जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इससे फायदा क्या होगा, इट डिक्रीजेस द एफर्ट ऑफ द डेवलपर्स, ये आपके डेवलपर्स के एफर्ट्स को कम कर देगा, तो डेवलपर्स को कम काम करना पड़ेगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ध्यान से देखिए, ओपिनिएटेड डिफॉल्ट, मतलब ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड, मतलब ये हमें बहुत सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट में प्रोवाइड कर देगा, हमें उसको अपने अकॉर्डिंग बाद में चाहे तो चेंज कर सकते हैं, और अगर हमारा उससे काम हो जा रहा है तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो दो पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे रेड से मार्क किया है, कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन, ओपिनिएटेड डिफॉल्ट। इससे होगा क्या भैया, हमारा डेवलपर मस्त काम करेगा, कोई इवेंट का सॉफ्टवेयर बनाएगा या ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकता है विदाउट कॉन्फ़िगरेशन, एंड स्पीड अप द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट भी हमारा फास्ट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्प्रिंग बूट एक हमारा मतलब बहुत बढ़िया काम करता है, मतलब सारे चीज़ें ऑटोमेटिकली कर देता है, लेकिन इसमें कॉन्फ़िगरेशन हमें खुद नहीं करनी, ये खुद से कॉन्फ़िगर कर देगा। इसमें देखिए, इट स्कैन द क्लास पाथ, ये हमारे क्लास पाथ को स्कैन करेगा। जैसे क्लास पाथ हम pom.xml को लगाएंगे, मान लो हमने अपना JPA की डिपेंडेंसी लगाई अपने बूट में, अब JPA की डिपेंडेंसी लगाई है तो ये स्कैन करेगा, स्प्रिंग बूट स्कैन करेगा उस डिपेंडेंसी को क्लास पाथ में। अगर वो डिपेंडेंसी मिली एंड इट फाइंड द डिपेंडेंसी, अगर वो डिपेंडेंसी मिल गई देन इट विल ऑटोमेटिकली कॉन्फिगर द थिंग्स। मतलब ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस सिंपली सपोज हमने JPA स्प्रिंग बूट स्टार्टअप JPA मैंने लगाया हुआ, अपने डिपेंडेंसी JPA की डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट में लगाई हुई है, तो आपको कुछ नहीं करना, कॉन्फिगरेशन JPA की नहीं करनी, आपको XML फाइल और एनोटेशन में नहीं जाना। स्प्रिंग बूट क्या करेगा, स्कैन करेगा आपके क्लास पाथ को, मतलब डिपेंडेंसी को, और अगर उसको JPA की डिपेंडेंसी मिली तो वो ऐसा समझ लेगा, इतना इंटेलिजेंट बंदा है कि वो ऐसा समझ लेगा कि अगर भाई आपने डिपेंडेंसी लगा के रखी है, दैट मीन्स यू वांट टू यूज़ स्प्रिंग डेटा JPA, और स्प्रिंग डेटा JPA आप यूज़ करना चाह रहे हो, सो कॉन्फ़िगरेशन वो खुद से ऑटोमेटिक कर देगा, आपको सिर्फ उसको यूज़ करना है। एग्जैक्टली उसी तरह जैसे आपको MySQL कनेक्टर लगाना है तो आप डिपेंडेंसी में जाके ऐड कर दीजिए, अगर स्प्रिंग बूट को कनेक्टर मिल गया तो भैया आपका काम हो गया, मतलब अब आपको कुछ भी नहीं करना, वो क्योंकि आपको वो स्कैन करेगा क्लास पाथ को, अगर उसको डिपेंडेंसी मिल गई स्प्रिंग MySQL कनेक्टर की तो वो सिंपली आपके सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर देगा, आपको सिंपली यूज़ करना होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब स्प्रिंग बूट में आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, बस आप सिंपली स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब आप लगाइए, आपकी स्प्रिंग एम्बेसी कॉन्फ़िगर हो जाएगी, आप MySQL कनेक्टर लगाइए ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा, स्टार्टर डेटा JPA लगाइए आपका JPA,
मतलब हाइबरनेट वगैरह आप यूज़ कर पाओगे, तो ये सारी चीज़ें आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगा, बस आपको क्या लगाना है, डिपेंडेंसी लगाना है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको स्प्रिंग बूट के बारे में रिवाइज़ की, अगर नहीं समझ में आया थोड़ा थोड़ा तो आप एक बार फिर से वीडियो देखिए और काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी। अब थोड़ा सा इसकी एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि क्यों हमें स्प्रिंग बूट यूज़ करना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए, कुछ एडवांटेज इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस मैंने यहाँ पे लिख के रखे, और हालांकि आपने जब सीखा कि स्प्रिंग बूट होता क्या है तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा दी हैं पहले से, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इट क्रिएट्स स्टैंड अलोन स्प्रिंग एप्लीकेशन दैट कैन बी स्टार्टेड यूजिंग जार। इसका मतलब सिंपली क्या है, जब हम लोग पहले जो वेब एप्लीकेशंस वगैरह बनाते थे उसके लिए हम लोग अलग से वार फाइल बना के फिर डिप्लॉयमेंट करते थे अपने वेब सर्वर पे, यहाँ पे वेब सर्वर स्प्रिंग बूट के अंदर ऑटोमेटिकली होगा ही। अभी मैंने थोड़ा सा डायग्राम आपको दिखाया था, और आपको सिंपली वहाँ पे जार फाइल मिल जाएगी, आप सिंपली जार फाइल को रन करो एज अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और आपका काम हो जाएगा, आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और आपका डिप्लॉयमेंट भी हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन रन हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे वार फाइल की कोई ज़रूरत नहीं, एज अ जार भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की तरह जार फाइल को सिंपली जावा जार टूल से हम लोग सिंपली रन कर सकते हैं। एम्बेडेड टॉमकैट जेटी एंड अंडर टॉर डायरेक्टली, ठीक है। इसका मतलब सिंपली हमको इस तरह के वेब सर्वर हमें मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से हमें नो नीड टू डिप्लॉय वार फाइल्स, तो हमें वार फाइल्स को डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली हम लोग अपने जार फाइल को चला सकते हैं, ठीक है। तो एम्बेडेड हमें सर्वर्स मिल जाते हैं, जैसे टॉमकैट हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो स्प्रिंग ने कहा कि भैया हमने आपकी मेहनत सुन लिया है, अब आपको क्या करना है, अब आपको अलग से टॉमकैट डाउनलोड नहीं करना। बहुत सारे लोग भैया टॉमकैट डाउनलोड कर नहीं कर पा रहे थे, इंस्टॉल नहीं कर पा रहे थे, कॉन्फिगर नहीं कर पा रहे थे, तो बूट ने कहा कि भैया अब आपको नहीं करने की जरूरत है, मैं आपके लिए कर दूंगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थोड़ा एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। प्रोवाइड ओपिनिएटेड स्टार्टेड डिपेंडेंसी टू सिंप्लीफाई योर बिल्ड कॉन्फिग्रेशन। तो ये चीज़ मैं पीछे भी समझा चुका ये चीज़ मैं पीछे भी समझा चुका हूँ। ये प्रोवाइड करता है हमें ओपिनिएटेड स्टार्टेड डिपेंडेंसीज, तो हमें ये कुछ डिपेंडेंसीज क्या करता है, पहले से प्रोवाइड कर देता है जिसके अंदर डिफॉल्ट कॉन्फिग्रेशन होती हैं, मतलब कॉन्फिगर ऑलरेडी होता है, अगर हम चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने बिल्ड कॉन्फिग्रेशन को, तो क्योंकि हमें बिल्ड कॉन्फिग्रेशन मिल जाएगी, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करूँ तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिगर स्प्रिंग एंड थर्ड पार्टी लाइब्रेरी वेन एवर पॉसिबल, तो जहाँ भी पॉसिबल है ये ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप सब कुछ कर देगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो जितनी दिक्कत आपने स्प्रिंग के वक्त झेली अब आपको ये दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। नेक्स्ट, प्रोवाइड प्रोडक्शन रेडी फीचर्स सच एज मैट्रिक हेल्थ चेक एंड एक्सटर्नलाइज्ड कॉन्फिग्रेशन, तो ये प्रोडक्शन रेडी बहुत सारे फीचर प्रोवाइड करता है, तो आपको कुछ नहीं कर रही है। ऑब्सोल्युटली नो कोड जनरेशन एंड नो रिक्वायरमेंट फॉर XML, तो यहाँ पे कोई आपकी XML कॉन्फ़िगरेशन के रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरह से n नंबर ऑफ एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है, मैंने तो यहाँ पे कुछ ही लिखे हैं, कुछ मैंने पीछे आपको बता दिए हैं, जैसे ये XML कॉन्फ़िगरेशन रिमूव कर देता है, स्पीड अप कर देता है आपके डेवलपमेंट प्रोसेस को, ये इसके अंदर एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर है, इसके ये क्या करता है, ये एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन को भी क्या करता है, कम आसान कर देता है, क्योंकि जहाँ जहाँ तीन तीन एनोटेशन आपको यूज़ करनी है वहाँ आप एक एक दो एनोटेशन से ही काम चला सकते हो, और सारी चीज़ें ज़रूरत आपकी MVC वगैरह के एनोटेशन की पड़ेगी तो आप यहाँ पे यूज़ कर लो। जैसे आपने जैक्शन की यहाँ पे बिल्ड जार फाइल लगा दी, तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, कॉन्फ़िगर कर देगा जहाँ तक पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे लास्ट यहाँ पे मैंने पॉइंट भी लिखा है, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर स्प्रिंग एंड थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज व्हेनेवर पॉसिबल। तो ऐसे करके स्प्रिंग बूट हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है और बहुत सारा काम ये ऑटोमेटिकली करेगा, बट फिर भी ये स्प्रिंग का ही एक मॉड्यूल है, आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में आना चाहिए और एटलीस्ट कम से कम आपको स्प्रिंग कोर समझ में आना चाहिए, स्प्रिंग ORM समझ में आना चाहिए, कैसे स्प्रिंग को ORM के साथ काम करते थे, और वेब पे काम करने के लिए कम से कम एटलीस्ट जितना मैंने स्प्रिंग MVC कवर किया है 25 वीडियो, आप उस 25 वीडियो को देख के ही ये सीरीज स्टार्ट करिएगा, तभी आप चीज़ें समझ पाओगे। इवन कंट्रोलर का पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपको व्यू रिजॉल्वर पता होना चाहिए, एक्सेप्शन रिजॉल्वर या एक्सेप्शन हैंडलिंग पता होना चाहिए, इंटरसेप्टर, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, रिक्वेस्ट मैपिंग, पोस्ट, गेट, ये सब चीज़ आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, फॉर्म हैंडलिंग पता होना चाहिए, बाइंड रिजल्ट्स, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मैंने दो प्लेलिस्ट बना के रखी हैं, दो तीन कई सारे प्लेलिस्ट हैं, बट आप दो इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग कोर की सीरीज़ देख लीजिए, साथ ही साथ स्प्रिंग MVC की भी आप सीरीज़ देख लीजिए, आपको बहुत वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आएंगी, देन आप ये स्प्रिंग ये वाली सीरीज स्टार्ट करिए, मैं आपको यहाँ पे डेली वीडियोस लाता रहूँगा। चलिए, ये तो रहा हमारा व्हाट इज स्प्रिंग बूट, इंट्रोडक्शन टू स्प्रिंग बूट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाऊंगा कैसे स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाते हैं, कैसे आप वेब एप्लीकेशन पे काम करते हैं, और साथ ही साथ में कैसे आप वेब सर्विसेज वगैरह बनाते हैं, मैं सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लाऊंगा। चलिए, अब मैं चलता हूँ, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक लिए आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस। चलिए, बाय बाय।